नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत कर लेते हैं प्रोग्राम की असदुद्दीन ओवैसी से। जी हां, MIM पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जो अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं, हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान फिर से दिया है। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने स्वर्ण समाज के लोगों को जो आरक्षण दिया जा रहा है उस पर उन्होंने कहा है कि ये सही नहीं है। आपको मैं बताता हूं कि आखिरकार क्या कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि आरक्षण दलितों के साथ ऐतिहासिक अन्याय को सही करने के लिए है, गरीबी मिटाने के लिए है। कोई भी योजनाएं चला सकता है, लेकिन आरक्षण न्याय के लिए बना है। संविधान आर्थिक आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है। यानी कि ओवैसी का बयान उस समय आया जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण की मंजूरी दे दी गई है। ये सुना आपने कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की अनुमति नहीं है। यानी कि आर्थिक आधार पर अगर कोई व्यक्ति कमजोर है, स्वर्ण समाज की मैं बात कर लेता हूं, स्वर्ण समाज में अगर आर्थिक आधार पर कोई व्यक्ति कमजोर है, उसकी सालाना आय उतनी नहीं है, उसके पास उतनी जमीन नहीं है, उसके पास उतना बड़ा घर नहीं है, तो क्या उसे लाभ का अधिकार नहीं है? क्या उसे आरक्षण का अधिकार नहीं है? और वर्ग के लोगों की मैं बात कर लेता हूं तो तमाम वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया गया है। अब ऐसे में अगर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के वर्ग को अगर आरक्षण देने का कदम मोदी सरकार ने उठाया है, तो आखिरकार इसमें गलत क्या है? और असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं है। यानी कि अगर आर्थिक आधार पर कह सकते हैं किसी को जरूरत है आरक्षण की, उसकी सालाना आय उतनी नहीं है, अगर वो उतना पैसे नहीं कमा पा रहा है या फिर उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या उसे आरक्षण का अधिकार नहीं है? क्या उसे आरक्षण की जरूरत नहीं है? ये चीजें जिस तरह से देखने को मिल रही है कि मोदी सरकार ने स्वर्ण समाज के लोगों को जो आरक्षण देने का 10% आरक्षण देने का कदम उठाया है, उस पर कुछ नेता जो है अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। और यहाँ पर हम आपको बता दें, ये नेता राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। इन नेताओं को केवल अपनी राजनीतिक रोटी यहाँ पर याद आ रही है। इन्हें ना किसी वर्ग की चिंता है, ना किसी अपने की। इन्हें केवल ये चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि आखिरकार किस तरह से चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले अपनी राजनीतिक रोटी सेकी जाए। आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि जिस तरह से देखने को मिला है कि स्वर्ण समाज में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनकी इनकम उतनी नहीं है, जितना जिनका बजट उतना नहीं है, जिनका कह सकते हैं कि खर्चा उस तरह से नहीं है, जिनको उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाई है। और ऐसे में अगर आर्थिक आधार पर उन लोगों को आरक्षण मिल रहा है, आर्थिक आधार पर सरकार उनकी मदद करनी चाह रही है, तो इसमें नेताओं को क्यों कह सकते हैं कि नेता जो है क्यों तिलमिला रहे हैं और आखिरकार क्यों जो है इस प्रस्ताव में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि असदुद्दीन ओवैसी का यह बयान उस वक्त सामने आया है जब स्वर्ण समाज के लोगों को आरक्षण देने की बात पर कह सकते हैं कि फैसला किया गया। ऐसे में अब क्यों वक्त आया है और अब क्यों इस मामले पर बोल रहे हैं? क्या कभी स्वर्ण समाज के लोगों को आरक्षण देने की बात खुद असदुद्दीन ओवैसी ने कही है? और सबसे बड़ी बात तो देखिए यहां पर यह है, देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से देखने को मिला है कि सभी को समान अधिकार दिया जाना चाहिए। अगर किसी वर्ग को आरक्षण दिया गया है तो जाहिर सी बात है उस वर्ग के लोगों को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए जो आर्थिक स्तर पर कमजोर है। क्योंकि देखने को ये मिला है कि अगर ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं उन्हें आरक्षण दिया गया है, उन्हें जो है छूट दी गई है, SC ST वर्ग के लोग हैं उन्हें छूट दी गई है, तो ऐसे में स्वर्ण समाज के लोगों को क्यों छूट कह सकते हैं? स्वर्ण समाज के लोगों को भी छूट दी जानी चाहिए। स्वर्ण समाज के लोगों की अगर मैं बात कर लेता हूं, उनके भी जो बच्चे हैं वो स्कूलों में पढ़ाइयां करते हैं, कॉलेजों में पढ़ाइयां करते हैं, उन्हें भी नौकरी में जो है आरक्षण चाहिए, उन्हें भी जो है आगे बढ़ना है, उन्हें भी अपना भविष्य बनाना है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब हर वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया गया है तो स्वर्ण समाज के लोगों को भी आरक्षण मिलने का पूरा अधिकार है। और ऐसे में MIM के बात कर लेता हूं
कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो जिस तरह से ये कह रहे हैं कि ये तो आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की अनुमति नहीं है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं लगता है कि ओवैसी जैसे नेता जो है लोगों को बढ़ने नहीं देना चाहते, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उन लोगों को नहीं बढ़ने देना चाहते जो आर्थिक रूप से कमजोर है। अगर सरकार उनकी मदद कर रही है तो ये वाकई में अच्छा कदम है। और कुछ लोग जिस तरह से राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और कहीं ना कहीं चुनाव के समय में बयानबाजी दे रहे हैं इसके खिलाफ को लेकर, तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी की सरकार जो है अगर मैं बात कर लेता हूं तो जिस तरह से देखने को मिला कि संसद में संविधान संशोधन पर बात जो हुई है, और सबसे बड़ी बात है यह मौजूदा 50% आरक्षण से अलग होगा, यानी कि जो 50% है उससे अलग होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े ऐसे गरीब लोगों को दिया जाएगा जिन्हें अभी आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है। वाकई में ये बहुत अच्छी बात है। और देखा जाए तो जिन लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा है और जिनको आरक्षण की जरूरत है और आर्थिक रूप से अगर वो कमजोर है तो ये सरकार का बेहतर कदम है। इससे पहले स्वर्ण समाज के लोगों को आरक्षण देने का काम ना कांग्रेस की सरकार ने किया था ना कभी पहली सरकार में हुआ है। तो ये चीजें आप जरा गौर कीजिएगा कि कांग्रेस की सरकार ने भी कभी स्वर्ण समाज के लोगों की तरफ नजर नहीं दौड़ाई। कांग्रेस की सरकार जब थी उस समय भी पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा था। अच्छी बात है, पिछड़े लोगों को भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए, उनको भी जरूरत है। लेकिन कांग्रेस की सरकार में केवल अपने हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए जाते थे। स्वर्ण समाज को लेकर कांग्रेस की सरकार ने भी कोई अच्छा कदम नहीं उठाया था और उस पर बात भी नहीं गई थी। अब ऐसे में मोदी सरकार अगर स्वर्ण समाज के लोगों के लिए अच्छा कदम उठा रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। आर्थिक रूप से ऐसे गरीब लोग हैं जिन्हें कभी आरक्षण नहीं मिला है, अगर उन्हें अब आरक्षण मिलेगा नौकरी में, शिक्षा में और सुविधाओं में, तो ये उन्हीं लोगों के लिए अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं सरकार के इस कदम से लोग खुश भी हैं। उन्होंने कहा आरक्षण का लाभ उन्हें मिलने की उम्मीद है जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होगी और 5 एकड़ जमीन तक ही होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फैसले को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करना होगा। तो 15 और 16 में संशोधन करना होगा और यहाँ पर चीजें जो देखने वाली। और सबसे बड़ी बात है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार के इस कदम को बेहतर बताया है, सराहना की है। अगर मैं बात कर लेता हूं तो जिस तरह से देखने को मिला बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी मोदी सरकार के इस कदम की सराहना की है। लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान का बीते दिनों एक बयान भी सामने आया था स्वर्ण समाज के लोगों को आरक्षण देने पर। उन्होंने खुद ये कहा है कि जाहिर सी बात है कि जब अगर सभी को आरक्षण दिया जा रहा है तो स्वर्ण समाज के लोगों को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए, उन्हें भी आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। और ऐसे में बहुत से नेता जो है वो मोदी सरकार के इस कदम की सराहना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। तो वहां पर कुछ नेता ऐसे हैं जो राजनीति रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जो इस मामले में अड़चन डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि दिखाता है कि किस तरह से स्वर्ण समाज के लोगों को ये नेता ऊपर बढ़ने की कह सकते हैं कि ऊपर बढ़ाने के लिए काम नहीं करे। और अगर मैं यहां पर कांग्रेस की बात कर ले तो देखिए कांग्रेस का जिक्र होना भी यहां पर बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार पांच राज्यों में बीते साल जब चुनाव हुए उसमें 3 राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार बनी, तो ऐसे में देखिए कांग्रेस की सरकार भी जो कहती है कि किसानों को लेकर कदम उठाए गए और अच्छा और कई कदम उठाए गए। लेकिन अगर मैं आप बात कर लेता हूं कि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से स्वर्ण समाज के लोगों
को लेकर जो कदम उठाया गया उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए। कांग्रेसी नेता जो है उन्होंने स्वर्ण समाज के लोगों को लेकर कुछ बात नहीं की है। मोदी सरकार जो कदम उठा रही है उस पर, उसके फैसले पर उन्होंने कोई बात नहीं की। तो ऐसे में यहाँ पर नजर आता है कांग्रेस भी किस तरह की राजनीति करती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो स्वर्ण समाज को लेकर सरकार जो कदम उठा रही है वो बेहतरीन कदम है और सरकार को यह कदम उठाना चाहिए। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।